क्यों ही खरीदना है भाई बाहर की कंट्री में बने स्नीकर्स, क्यों ही पहनना है उन्हें स्नीकर्स, क्यों बाहर बन रहे हैं भाई जब इंडिया में इतने तगड़े तगड़े स्नीकर्स के ब्रांड आ चुके हैं। ये जो स्नीकर का ब्रांड है ना, इस कंपनी का नाम है एलेवर स्पोर्ट स्टाइल भाई। इतना ज्यादा बढ़िया ये स्नीकर बना रहे हैं ना भाई, क्या ही मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी जो एक्टर हैं भाई, रणविजय सिंह स्नीकर हेड है इंडिया के, काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया स्नीकर है उनके पास, भरका सिंह और भी कई सारे लोग। तो भाई चलो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और वीडियो को स्टार्ट। इस स्नीकर के बॉक्स को ना भाई पूरा प्लेन सा बनाया हुआ है, साइड में आपको एलेवर लिखा हुआ दिख जाएगा, बीच में ना आपको पूरी ब्रांडिंग मिलने वाली है भाई एलेवर ब्रांड की, साइड में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा रेट्रो केस बैक टू द फ्यूचर भाई। अब मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ और बताता हूँ, इतना ज्यादा प्रीमियम पैकेजिंग बनाई है ना भाई इस स्नीकर के अंदर भाई, आपको थैंक यू कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई कोई स्नीकर ब्रांड जो इंडिया में बनी हुई है ना भाई, और इंडिया में स्नीकर बना रहे हैं, उनके अंदर अगर ये थैंक यू कार्ड निकल जाता है ना भाई, मतलब मुझे मजा ही आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, इस स्नीकर की प्राइस जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए, लेकिन आने वाले टाइम में ना ये स्नीकर जरूर ना जरूर आपको महंगे मिलने वाले हैं। थैंक यू कार्ड के साथ साथ ना भाई आपको इस स्नीकर के अंदर भाई आपको एक बैग देखने के लिए मिल जाएगा छोटा सा, जिसके अंदर ना भाई आपको दो इंसोल देखने के लिए मिलने वाले हैं रेड कलर के, काफी ज्यादा बढ़िया है, सॉफ्ट मटेरियल से पूरे बनाए हुए हैं। उसके अंदर ही आपको एक छोटा सा कार्ड और मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको ये स्नीकर फिट नहीं होते ना भाई, आप इन दोनों स्नीकर का यूज करके काफी ज्यादा मजे से इनको पहन सकते हो। इस स्नीकर के बटर पेपर पर ना भाई आपको एलेवर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और अब मैं निकालता हूँ भाई मेरे स्नीकर को बाहर, ये देखो कितना ज्यादा प्रीमियम पूरा स्नीकर बनाया हुआ है, मैच फैब्रिक का यूज करा है इसको पूरा बनाने के लिए। साइड में आपको जो पैचेस वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं ना भाई, वो वेलवेट के मटेरियल के पूरे बने हुए हैं। ऊपर की साइड आपको लेदर देखने के लिए मिल जाएगा, काफी ज्यादा प्रीमियम लेदर यूज करा है पूरा बनाने के लिए इसको व्हाइट कलर के लिए। इसके साथ साथ में ये स्नीकर काफी ज्यादा बढ़िया देखने में लगता है। इस स्नीकर में ना लेस होल्डर जो है ना भाई, और इसका टंग होल्डर जो है इसको सेम मटेरियल से बनाया हुआ है, पूरा ही प्रीमियम स्नीकर देखने में आपको लगने वाला है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मटेरियल है इतना ज्यादा प्रीमियम है, इतने अच्छे तरीके से पूरा बनाया हुआ है ना, बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिजाइन करा हुआ है। टंग के टॉप पर ना भाई आपको एलेवर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, साइड में आपको भी रबर के पैच पे एलेवर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और बैक में भी आपको एलेवर का लोगो देखने के लिए मिलने वाला है। इस स्नीकर के दोनों ही साइड और बैक में ना भाई आपको थ्रेडिंग की डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी, फ्रंट में भी आपको थ्रेडिंग से बनी डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी, साइड में ना भाई आपको ब्लैक कलर के दो थ्रेड्स की बनी डिजाइन देखने के लिए मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको 3 होल्स फ्रंट में देखने के लिए मिलने वाला है। इस स्नीकर में ना भाई आपको वेंटिलेशन की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, मैच फैब्रिक होने के कारण ये थोड़ा जल्दी गंदा होगा, लेकिन भाई आप इसको नॉर्मली वॉश कर सकते हैं अपने घर पर। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर पैडिंग ना, तो ऑल ओवर पैडिंग काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मटेरियल यूज करा है पूरा बनाने के लिए। टंग की पैडिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया दी हुई है इस स्नीकर में। बाकी अगर मैं बात करूँ ना भाई इसके सोल की, इसके सोल को भाई बहुत ही कंफर्टेबल बनाया हुआ है। इसको और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए ना भाई इसमें आपको एक इंसोल मिल जाएगा अंदर, जो सॉफ्ट मटेरियल का पूरा बनाया हुआ है। इवन इसमें आपको 2 और इंसोल देखने के लिए मिल रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है कि ये फिट नहीं हो रहा है आपको, तो आप इनका यूज करके काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। इस स्नीकर को खरीदने की ना भाई मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ। मैंने ना मनोज वाजपेयी की स्टोरी में ये स्नीकर देखा था, काफी ज्यादा बढ़िया मुझे लगा, फिर मैंने पता करा, और मैंने पता करने के बाद पता चला कि भाई ये ना इंडियन ब्रांड है, एक एलेवर नाम है इस ब्रांड का भाई, जो इतने बढ़िया स्नीकर बना रही है इंडिया में। तो भाई मैंने सोचा जल्दी से मैं आप लोगों के लिए मंगा लेता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ज्यादा प्रीमियम ये पूरा स्नीकर है, वो भी इंडिया में बना हुआ। तो भाई अगर आपको ये स्नीकर खरीदना है ना, सिर्फ और सिर्फ अभी अमेजोन पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं। स्पोर्टी लुक होने के कारण हो सकता है इसको काफी लोग पसंद ना करें, लेकिन भाई मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया। मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसकी जो डिजाइन है ना, इसको काफी लोग पसंद कर रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रेंड में इस टाइप के स्नीकर्स, और भाई इंडिया में बना, तो भाई क्यों ना मैं इसको सपोर्ट करूँ भाई, बिल्कुल मैं तो इसको यूज करने वाला हूँ। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसके ऊपर ट्राई करके देखें, अगर आपको एलेवर ब्रांड के और भी ज्यादा स्नीकर्स देखने हैं ना भाई, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, काफी अल्टीमेट स्नीकर्स ये बना रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ भाई इसके सोल की, इसके मिड सोल को ना भाई पूरा सॉफ्ट मटेरियल से बनाया है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और भाई इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा अमेजिंग है ना, इसका आउटर सोल इतना ज्यादा बढ़िया बनाया है, ब्लैक कलर का पूरा आपको आउटर सोल देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रिप इसमें काफी ज्यादा बढ़िया है, और भाई ये स्नीकर काफी ज्यादा लाइट वेट भी है, आप इसको डेली पहनेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है स्नीकर को पहनने के बाद। इस स्नीकर की मैं आपको एक बार और प्राइसिंग बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का है, आपको अमेजोन पर कूपन वगैरह लगाकर ये मिल जाएगा भाई। इसके कई सारे और फंकी फंकी कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अमेजोन पे। मुझे तो ये स्नीकर काफी ज्यादा पसंद आया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्नीकर कैसा लगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना भाई, जल्दी से जाओ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।